चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज के 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। कॉलेज के सभागार में आयोजित समापन समारोह में कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर राकेश मिश्रा, प्राचार्य अपर्णा मिश्रा, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, डॉक्टर सुमन सिंह, डॉक्टर आस्था प्रकाश, डॉक्टर रेखा रानी शर्मा सहित अन्य शिक्षक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाएं मौजूद रही। इस अवसर पर शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वयं सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम अधिकारी रेखा श्रीवास्तव ने कहा, ये सभी सामने आ गए मंच पर, जिनके नाम की घोषणा मैंने की है। अभी सब लोग फोटो जो है रेखा श्रीवास्तव, कार्यक्रम अधिकारी चंद्रकांति रमावती देवी आर्मेला पीजी कॉलेज से। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में सप्तदिवसीय विशेष शिविर हमारा बसपुड़वा बस्ती मलिन बस्ती में लगाया गया था और उसी के तहत आज ये मेरा समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। वास्तव में राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा मंच है जो स्वयं सेविकाओं में सामुदायिक चेतना का संचार करते हुए उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है और इस लिहाज से इस विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत प्रत्येक दिन हमने जागरूकता भरा कार्यक्रम आयोजित करा, जिसमें छात्राओं ने हमारी रैली निकाल करके नुक्कड़ नाटक के द्वारा विविध विषयों पर जैसे मतदाता जागरूकता, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, हमारे आज पूरे देश के लिए एक चुनौती बनकर के खड़ा हुआ है, इस पर जो विभ्रांति या अफवाहें हैं लोगों में उसके रिमूवल के लिए हमने एक जागरूकता कार्यक्रम इस पर आयोजित करा। इसके साथ ही साथ कन्या भ्रूण हत्या निषेध दिवस, मतदाता जागरूकता दिवस और साथ ही साथ साक्षरता और स्वच्छता से भरा हुआ बहुत सारा जागरूकता से भरा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया और आमजन को इस पर जागरूक किया। कितने दिन तक था ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 7 दिनों का आयोजित था, 28 तारीख से शुरू हुआ था और आज 3 तारीख को इसका समापन।